नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मीरा वर्मा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जी हां, सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था। इसके बाद 12 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। आज उन्हें हिरासत पूरी होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश रहने का आदेश मिला, जहां से अदालत ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि उससे आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की। बीआरएस नेता से सह आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट्स और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेज के बारे में पूछताछ की थी। कस्टडी के दौरान की कविता के से पूछताछ की थी। सीबीआई ने बताया कि की कविता जांच में सहयोग नहीं दे रही थी, वो रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद सबूतों से हटकर जानबूझकर गोलमोल जवाब दे रही थी। बता दें कि ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।